जिलाधिकारी विजय किरण आनंद की अध्यक्षता में व्यापारी बंधुओं की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में सकुशल संपन्न हुआ। इस दौरान मंडी के व्यापारियों ने जिलाधिकारी को रात में मंडी में गश्त बढ़ाने व वन वे करने की मांग की, जिस पर जिलाधिकारी ने ट्रैफिक विभाग को निर्देश दिया कि मंडी में वन वे किया जाए, जिससे मंडी में भीड़ ना लगे। वहीं साहबगंज मंडी के व्यापारियों ने कहा कि कुछ जगहों पर नालों की स्लैब टूटी है और कुछ जगहों पर ठेले वालों से अवैध वसूली की जाती है, जिस पर अधिकारी ने नगर निगम को स्लैब ठीक व पुलिस को संबंधित व्यक्ति को चिन्हित करके कार्यवाही करने के निर्देश दिए। वहीं कुछ व्यापारियों ने कहा कि कालेसर जीरो पॉइंट पर रात में लाइट नहीं जलती है, जिस पर एनएएचआई के अधिकारियों द्वारा व्यापारियों को आश्वस्त किया गया कि एक हफ्ते के अंदर वहां पर लाइट को ठीक करवा दिया जाएगा। इस अवसर पर एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह, नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मुकेश रस्तोगी, दवा विक्रेता समिति के अध्यक्ष योगेंद्र नाथ दुबे, महामंत्री आलोक चौरसिया, व्यापारी नेता अभिषेक शाही, संजय सिंघानिया सहित अन्य व्यापारीगण एवं अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। सर ने आदेश कर दिया, एसडीएम नायब तहसीलदार लेखपाल भी गए और 1 तारीख को फैसला भी हो गया। और एक बार 6 अप्रैल को डेट मिली थी खाली कराने के लिए, पूरी राजस्व की टीम एसएचओ सभी लोग गए, लेकिन आदेश आया कि 10 तारीख को ये खाली करा ली जाए और फिर चले आए। फिर 19 अप्रैल को एक डेट पड़ी किसको खाली करा लिया गया। सर एक भू माफिया, एक शराब माफिया क्या इतना ताकतवर हो गया है कि पूरा पुलिस प्रशासन रखा है और वो हट नहीं पा रहा है। अब हम कहाँ जाएं और कहाँ न्याय मिलेगा वो बता दीजिए सर। मिल गया, मिल गया। गीता वाटिका में अतिक्रमण और गंदगी है, साथी चौक पे बहुत कंपनी चलाए पर ठेलों का अतिक्रमण हो गया, अगर किराए से झूठे स्कूल तक नाला सफाई की पट्टिया हटाई गई थी, किसी बात नाले पर नहीं रखा गया। ये पटियाला टूटी भी नहीं गई है सर, वहाँ पे सर एक हो गया ना, सभी प्रदेशों में प्रतिस्पर्धा है कि कोई भी छोटा उद्यमी हो बड़ा उद्यमी लगाना चाहते हैं, न्योता देना पड़ता है, उसके लिए पहले तो मत स्थिर करना पड़ता है, भावना सही रहनी पड़ती है, बाद में बाकी सारा काम होता है। किसी में है व्हाटएवर, माफिया भी नहीं चलेगी यहाँ पे। जैसे अभी कुछ लोग गए जेल, सब जाएंगे जेल। आप लोगों को सूचना अपनी सूचना कर रहा हूँ कि कहाँ कार्यालयों में दलाल चल रहे हैं, कहाँ कार्यालयों में परेशान किया जा रहा है, सम्मान में कमी छोड़ी जा रही है, कहाँ व्यापारी उद्यमियों को जो पॉलिसी है उसके आधार पर सेवाएं नहीं मिल रही है, जहाँ जनहित गारंटी अधिनियम के अंदर सेवा नहीं मिल रही है, ये मुझे जानना है। हमारी टीम जो है तत्पर है, कटिबद्ध है।